झारखंड के जिला सिमडेगा में एनएच 320 जी कोलेबिरा मनोहरपुर पथ पर बानो प्रखंड के पाड़ो नॉमिल से हाटिंग होंगे तक कुल 1600 पेड़ लगाए जाएंगे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पट तट वनरोपण कार्यक्रम के तहत सड़क के दोनों तरफ 1600 पेड़ लगेंगे। साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ वन क्षेत्र पदाधिकारी सुशील कुमार पांडे, वन समिति राजमोल के अध्यक्ष बहुरन सिंह, बांकी ग्राम सभा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह, लता केल के सूजन मड़की, बांकी के धीरेश चंद सिंह ने वृक्षारोपण किया। वहीं वन क्षेत्र पदाधिकारी सुशील कुमार पांडे ने बताया कि सड़क के दोनों किनारे पेड़ लगेंगे, जिसमें 400 गमला गेबियन है और 1200 बांस गेबियन लगाया जाएगा। वहीं सड़क किनारे गुलमोहर, आम, नीम, महोगनी, पीपल आदि के पेड़ लगाए जाएंगे। वहीं ग्रामीणों से अपील है कि पेड़ों की सुरक्षा में सहयोग करें। वहीं मौके पर वन कर्मी लखिंद कुमार सिंह, मनीष डुंगडुंग, राजू साहू, गैंडसन टेटे आदि लोग उपस्थित थे। अखंड भारत न्यूज के लिए सुनंदन बड़ाई की रिपोर्ट, सिमडेगा।